हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल प्रियाज ब्यूटी पार्लर एंड ब्यूटी टिप्स। प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और गाइस, आज हम बना रहे हैं शाही टोस्ट, जो ब्रेड से हम बनाएंगे। तो अभी मैं यहाँ से फ़ोन पकड़ी थी तो नहीं कट रहा था, इसलिए मैंने फ़ोन यहाँ साइड में रख दिया था, क्योंकि मेरे पास अभी ना ही मैंने कोई स्टैंड लिया है, ना ही कोई कैमरा लिया, फ़ोन से ही काम चला रही। फ़ोन भी टूट गया है किसी कारण की वजह से। और यहाँ पे मैं ऑयल से ब्रेड को फ्राई कर लूँगी। आप चाहे डीप फ्राई कर सकते हैं, आप चाहे सोलो फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, सफोला ऑयल। सफोला ऑयल गाइस, इस समय यूज़ किया, अभी एक महीने से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, कि हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने सफोला यूज़ करने लगे। आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे। और यहाँ रसगुल्ले मैंने बनाए थे, जिसका वीडियो मैंने शेयर नहीं किया है आप लोगों के साथ, तो उसका सिरा बचा हुआ था, तो उसी का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास सिरा नहीं है तो आप चीनी का सिरा बना सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब कि जो इसलिसा होता है, हो जाता तार बनता है, वैसा नहीं चाहिए आपको। जैसे रसगुल्ले का सिरा होता है वैसा ही आपको लेना होगा। तो अगर आपके पास सिरा तो ठीक है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। मुझे लगा कि फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को इस समय कोरोना के टाइम खाना भी नसीब नहीं हो रहा है, और मुझे ख़राब लगता है कुछ फेंकने में। तो जो रसगुल्ला के सिरे बचे थे मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह देखिए, देखने में काफ़ी यमी बन गया था और टेस्टी बना था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।